Hello there. In this video, I'm going to explain the Hindi meaning of by the book. तो ये by the book का आखिर हिंदी क्या होता है? एक छोटे से example से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे पहला example है, I do everything according to the rules. मतलब मैं जो कुछ भी करता हूँ, वो नियम में रहके करता हूँ, नियम का पालन करके करता हूँ. तो जैसा जैसा नियम बोलता है, तो यहाँ पे आप एक शब्द use कर सकते हो exactly. यानी आई डू एवरीथिंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग द रूल, मतलब मैं जो कुछ भी करता हूँ वो रूल्स के हिसाब से करता हूँ. तो आपने देखा यहाँ पे मैंने यूज किया अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो इसी सेंटेंस को मैं लिख सकता हूँ आई डू एवरीथिंग बाय द बुक. तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स की जगह यूज कर सकता हूँ बाय द बुक. तो बाय द बुक का वही मतलब होगा जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स का मतलब होगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, माय स्टूडेंट ओबे ऑल द रूल्स टू डू एवरीथिंग. मतलब मेरे जो स्टूडेंट जो कुछ भी करते हैं तो वो सभी नियम का पालन करके करते हैं. मान लीजिए कोई काम किया, उसके 10 रूल हैं, तो वो 10 रूल का पालन करके उस काम को करते हैं. यानी कोई भी एक भी नियम को वो ब्रेक नहीं करते. आप इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, माय स्टूडेंट डू एवरीथिंग बाय द बुक. मतलब मेरे स्टूडेंट जो कुछ भी करते हैं वो नियम के हिसाब से करते हैं. तो नियम के हिसाब से कोई काम करना, उसी को बोला जाता है बाय द बुक. तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बाय द बुक का हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.